तो जैसे कि मैंने जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास यहाँ पे कस्टम शेप्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ फिलहाल यहाँ पे एक शेप का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, ओके, और यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा। बल्कि मेरे पास पहले से ही बना हुआ है तो मैं उसको इनेबल कर देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि हमने एक जो है वो शील्ड ड्रॉ किया है और उसके साथ कुछ जो है वो शॉर्ट्स तलवारें भी जो है वो बनाई हैं। तो ये जो है तमाम इन टूल से मैंने बनाए हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक शेप बना देता हूँ, ओके, और उसके ऊपर मैं जो है वो ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा। ग्रेडिएंट में सारे मेरे पास बने हुए हैं और मैंने आप लोगों के साथ, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने शेयर भी किया है, ओके, और मैं इसका एंगल चेंज कर दूंगा ताकि ये जो ब्राइटर एरिया है वो सेंटर में आ जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रोक में जाऊँगा और स्ट्रोक में जाके इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा, ओके, और मैं इसको इनसाइड कर दूंगा, थोड़ी सी वैल्यू मैं कम कर दूंगा, अराउंड 18 px, ओके, और फिलअप कलर जो है मैं ग्रीन रखूंगा। और यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ पे गोल्ड जो इफेक्ट है वो अप्लाई कर दूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। उसके बाद जो स्टाइल है वो लीनियर सेलेक्टेड है तो मैं शेप ब्रश सेलेक्ट करूंगा, ओके, और मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। और आप देखते हैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मैं इसकी क्लियर की कॉपी बनाऊंगा। मैं लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जाने के बाद लेयर आइकन के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा, तो हमारे पास एक शेप एक कॉपी बन जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करके भी इसकी एक कॉपी बना सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी बनाई। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा ताकि मैं इसको फिर ट्रांसफॉर्म करके रिसाइज कर सकूं, ओके। यही काम आप जो है वो एडिट में जाके फिर ट्रांसफॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने एडिट के ऊपर जाके फिर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे एक आउटसाइड लाइन एक बॉक्स बन गया है जिसके अंदर जो है वो 6 एंकर पॉइंट्स हैं। अगर मैं अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट का बटन और अल्ट का बटन एक साथ प्रेस करके रखूँ और फिर टॉप या बॉटम का जो कॉर्नर है उससे जाके मैं उसको रिसाइज करूँ तो आप देखते हैं ये जो है छोटा हो रहा है, ओके। लेकिन आपने नोट किया होगा कि जो वर्टिकली है वहाँ से ज़्यादा स्पेस है और जो हॉरिजॉन्टली है वहाँ से कम स्पेस है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी शेप जो है मुझे ये इजाज़त देती है कि मैं इसको यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ओके, और अब इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद बड़ा करूँगा, ओके, और मैं इसे ओके प्रेस कर दूँगा। अब मुझे करना क्या है कि मैं इसका स्ट्रोक जो है वो मुझे कम करना है, तो मैं यहाँ से स्टाइल का जो ऑप्शन है उसको मिनिमाइज़ कर दूँगा और यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन करूँगा और स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसकी वैल्यू को जो है वो कम करूँगा, जैसे कि 3 px आर इनफ, ओके, और उसके बाद जो है मैं ग्रेडिएंट के ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ से जाने के बाद मैंने यहाँ पे ग्रेडिएंट बना हुआ है। आप लोगों को मैंने यकीनन बताया होगा कि मैंने किस तरीके से ये ग्रेडिएंट बनाया हुआ है, तो मैं वो सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा। और अब जो है मैं इसकी पोजिशन को 0 कर देता हूँ ताकि बिल्कुल ही स्ट्रेट रहे, और इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए, ओके, ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। और अब मैं ओके प्रेस कर दूंगा। अब आप देखते हैं जो है हमारा शेप तकरीबन मिलता जुलता है, और क्योंकि हमने जो है वो सोर्स बनानी है तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा जो कि खाली है, ओके, और यहाँ से मैं अपना पेन टूल सेलेक्ट करूँगा। फिलहाल मैं इसका कलर जो है वो ब्लू रख देता हूँ ताकि मुझे व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर शेप्स नज़र आएँ, ओके। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, बल्कि यहाँ पे मैं क्लिक करके एक एंकर पॉइंट क्रिएट करूँगा, ओके, और एक और शिफ्ट पकड़ के मैं एक और एंकर पॉइंट बनाऊँगा और उसको मूव करूँगा, ओके, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे स्ट्रेट करता हूँ इसको क्लिक, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको करके थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ विथ इसकी, ओके। अब जिससे मैंने जो है वो इसको ये कलर दे दिया है, और मैं राइट क्लिक करूँगा और ग्रेडिएंट में जाके इसको मैं ग्रेडिएंट दे दूँगा जो कि सिल्वर ग्रेडिएंट, ओके, और मैं इसको स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा। और अब जो है मैं यहाँ पे लूँगा एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूँगा जिसकी विड्थ जो है मैं अपने हिसाब से रखूँगा, लेकिन उसकी हाइट जो है मैं कम रखूँगा ताकि ये मुझे एक अलग ही इफ़ेक्ट दे। और मैं यहाँ से वेरी केयरफुली करके इसको सेट कर दूँगा, ओके, और क्योंकि इसके ऊपर जो है गोल्ड इफेक्ट अप्लाई हुआ है तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ग्रेडिएंट में जाऊँगा और यहाँ पे इसके ऊपर
गोल्ड इफेक्ट जो हमने शेप के ऊपर अप्लाई किया है वही इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। ओके थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर देता हूँ। चलिए मेरे ख्याल से इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी कम हो गई, तो मैं फिर ट्रांसफॉर्म करूँगा कंट्रोल टी, और उसको जूम करने के बाद मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। चलिए अब मुनासिब है। ओके थोड़ा सा शेप में जो है वो फ़र्क है, जो ग्रेडियंट है उसके अंदर फ़र्क है, तो मैं यहाँ से इसको पोजिशन चेंज करता हूँ और इसका एंगल भी थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। चैलेंज ओके। और अब जो है मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लूंगा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ओके और अब मैं इसके ऊपर सेम ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा, और ग्रेडियंट मेरे पास जो इसका एंगल है वो इस तरीके से होगा, और उसके ऊपर मैं ब्राउन कलर का ग्रेडियंट अप्लाई कर दूंगा। और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं इस शेप जो मैंने गोल्ड कलर की शेप बनाई उसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ, और उसको टॉप लेयर पे जाके मैं उसको थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ, और मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। बल्कि मुझे यहाँ पे और उसको छोटा करना पड़ेगा। ओके अब आप देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो और भी मुझे इसको कर्व देना पड़ेगा। ओके ऑलमोस्ट रेडी बट रफली, तो मैं इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूंगा कंट्रोल जी, जिससे ये ग्रुप बन जाएगा। और अब मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। थोड़ी सी हमारी जो शॉट है वो थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी डिफरेंट बनी है, लेकिन इट्स ओके। अब देख सकते हैं कि वाइट बैकग्राउंड पे ये सही तरीके से मुझे दिख नहीं रही, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ पहले तो। ओके और अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। आप ग्रुप के ऊपर भी जो है वो ये लेयर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, तो और मैं इसके ऊपर जाके थोड़ा सा ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दूँ। ओके और मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा एक, और अब मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके और शेडो जो है मैं इसका ग्लोबल से हटा के दूसरी हाइट पर कर दूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर में ले आऊँ। और अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो शेप रेडी है, लेकिन हमने उसको किस तरीके से मुख्तलिफ इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद हमने उसको किस तरीके की कार्टूनी शक्ल दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और मैं ये फाइल सेव कर देता हूँ ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और उसको देख सकें कि कैसे ये यूज़ हुआ है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।